गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्चमेंटाइजिंग एंड डीलेक्चरिंग। पार्चमेंटाइजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फिनिश विच इज यूज टू मेक स्ट्रिप द फैब्रिक्स कॉटन फैब्रिक्स एंड डीलेक्चरिंग इज द फिनिश विच इज यूज फॉर विस्कोस रेयॉन्स। पार्चमेंटाइजिंग इज ए फिनिश प्रोवाइड टू कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूसेस द resemble organdy finish. In this finish, cotton fabric is treated with concentrated sulfuric acid for less time. Sulfuric acid of 110 degree Tradel and above produces a completely different effect for the concentration below 110 degree degree Tradel. Sulfuric acid of 106 degree Tradel or below it never produces a transparent and a stiff finish, but the action of sulfuric acid of less than 110 degree Tradel is much intensive if the cotton has previously been mercerized. When mercerized cotton is treated with sulfuric acid of concentration more than 108 degree Tradel, parchmentizing effect can be obtained. When a cotton fabric is treated with sulfuric acid of 119 or 120 degree Tradel for a few seconds at room temperature, the fabric becomes thinner and more transparent. तो organdy finish जो होती है वो cotton को दी जाती है, इसलिए कि just like मलमल का effect इससे produce हो सके। इसके लिए concentrated sulfuric acid के साथ में इसका treatment कराते हैं और वो कुछ ही seconds के लिए होता है। अगर ज़्यादा समय इसको हम treat करा देंगे तो फैब्रिक ही हमारा ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। नाउ ट्रेडल, एक वर्ड इसमें ट्रेडल आया। एक्चुअली क्या ट्रेडल क्या है, एक स्ट्रेंथ मेज़र करने का स्केल होता है और यह पुराने समय में लिक्विड्स जो होते थे उनकी कंसंट्रेशन निकालने का एक अच्छा साधन होता था। ट्रेडल इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड और बेसिस। इट इज़ सिमिलर टू लैक्टोमीटर। देखिए, ये ट्रेडल मीटर दिया हुआ है। इस ट्रेडल मीटर में कोई भी लिक्विड जिसको कि हम बीकर वगैरह में भर देते हैं और इस लिकर में ट्रेडल मीटर को हम डिप करते हैं, तो ट्रेडल मीटर जितना ज़्यादा डूबता है इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो उतना ही डाइल्यूट है, और जितना फ्लोट होता है सॉल्यूशन उतना ही कंसंट्रेटेड होता है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेंसिटी वो अधिक होती है, इससे ये ऊपर फ्लोट होगा, और जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसलिए ये नीचे सिंक होगा। ये ट्रेडल मीटर लैक्टोमीटर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। As denser the liquid it will be float, and as dilute the liquid it will sink or comes down. A paper scale is provided with it so that readings may be noted down. Degree Tradel का फार्मूला है, वह है degree Tradel equals to 200 specific gravity minus 1. Action of sulfuric acid is characterized by three different effects depending upon the its strength. The first effect occurs with sulfuric acid of 110 degree Tradel when a soft fabric is obtained.
रिजेंबलिंग फाइन वूल, मतलब 110 डिग्री ट्रेडल के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कॉटन को ट्रीट करेंगे तो वूल की तरह का कॉटन फैब्रिक मिलेगा। सेकंड, द सेकंड इफेक्ट इज ऑब्टेन विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 114 डिग्री ट्रेडल व्हेन द क्लॉथ श्रिंक्स कंसिडरेबली एंड बिकम्स स्टिफ। क्लॉथ कुछ श्रिंक होगा और उसमें स्टिफनेस आएगी। और द थर्ड इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 116 to 125 डिग्री व्हेन द फैब्रिक बिकम्स स्टिफ एंड सेमी ट्रांसपेरेंट। तो 116 डिग्री से 125 डिग्री ट्रेडल पर अगर हम ट्रीट करते हैं तो फैब्रिक में झीना इफेक्ट आएगा और फैब्रिक स्टिफ भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम केमिकल्स लाइक प्रिडीन, ग्लिसरीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर यूज टू रिस्ट्रेन द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन कॉटन। स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए इसमें हम प्रिडीन या ग्लिसरीन या कुछ इसी तरह के केमिकल यूज ले और फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल यूज लेते हैं। नेक्स्ट है अपने डीलस्टरिंग। जैसा कि बताया, डीलस्टरिंग क्या है, अपने विस्कोस रेयन्स के लिए है। विस्कोस रेयन को जब शुरुआत में साइंटिस्ट ने बनाया तो प्रॉब्लम आई थी कि विस्कोस रेयन की चमक जो होती है वो सिल्क की चमक से ज़्यादा होती है, तो लोग बाग इससे जल्दी ही फेड हो गए या इससे ऊब गए, तो इस वजह से इसकी चमक को कम करना ज़रूरी हो गया। इसके लिए डीलस्टरिंग एजेंट्स को हम यूज लेते हैं। तो वहन साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ए फाइबर रिजेंबलिंग नेचुरल सिल्क रेयन वाज डिस्कवर्ड, बट रेयन इज मच मोर लस्चीरियस देन सिल्क एंड एक्चुअली पजेसेस एक्सेसिव लस्चर सो मच सो दैट पब्लिक सून बिकम फेडअप ऑफ इट एंड वॉश्ड एंड वांटेड दैट द रेयन शुड बी जस्ट एज लस्चीरियस एज सिल्क। दैट इज हाउ डीलस्टरिंग ऑफ रेयन कम्स इंटू बिगनिंग। टू टाइप ऑफ डीलस्टरिंग इज इन द फैशन। नंबर फर्स्ट, इंटरनल डीलस्टरिंग और स्पन डीलस्टरिंग इज द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड फॉर मेकिंग रेयन्स डल। इन दिस मेथड वाइट ओपेक पिगमेंट इज जनरली एडेड टू द स्पिनिंग सॉल्यूशन फ्रॉम विच द फिलामेंट्स आर एक्सट्रूडेड। मतलब फिलामेंट को जब एक्सट्रूड करते हैं वेट स्पिनिंग मेथड के थ्रू जब हम फिलामेंट को एक्सट्रूड करते हैं विस्कोस रेयन के को, तो उसी में हम एक डीलस्टरिंग एजेंट मिला देते हैं। वो डीलस्टरिंग एजेंट स्पिनिंग के टाइम या बनते समय ही विस्कोस रेयन की लस्चर को कम कर देता है। इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड ऑन अकाउंट ऑफ its high refractive index is widely used as white pigment in quantities of 1-3%. External delustering, अब ये तो हुई internal delustering की बात। जहाँ तक external delustering की बात करते हैं तो external delustering is used of two types. नंबर फर्स्ट, सिंगल बाथ एंड टू बाथ। तो सिंगल बाथ के बजाय हम टू बाथ जो है वो यूज लेना अच्छा रहता है। और
तो टू बाथ मेथड, इसमें इन दिस मेथड द फैब्रिक इज इम्प्रिग्नेटेड इन सेपरेट सॉल्यूशन. फैब्रिक इन दिस मेथड द फैब्रिक इज इम्प्रिग्नेटेड इन सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ टू डबल डिकम्पोजिशन. बेरियम सल्फेट वाज द फर्स्ट पिगमेंट टू बी यूज्ड फॉर डिलस्टरिंग बाय दिस मेथड यूजिंग सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन सेपरेट बाथ फॉर डिपॉजिटिंग बेरियम सल्फेट एस अंडर बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड NaCl प्रोड्यूसर.